बिहार में चल रहे एनडीए गठबंधन पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में चल रहे एनडीए के गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच कोई तालमेल नहीं है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी, रोजगार और एमएलए फंड को लेकर एनडीए के दलों में संग्राम मचा हुआ है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे से फेयर एंड लवली का विज्ञापन उतर गया है। तेजस्वी का मानना है कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा खत्म हो गया है। पता नहीं किस बात का गठबंधन है। ये तो गठबंधन का पोल तभी खुल गया था जब हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोला ये असंभव है, बीजेपी कहते 19 लाख देंगे। तो तालमेल है क्या, इसको तालमेल कहते हैं क्या? अभी कह रहे हैं कि शराब पर विचार करना चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बड़े अच्छे से लागू है। अरे इतने अच्छे से लागू है कि होम डिलीवरी हो रहा है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो बिहार में नहीं मिल रहा। एक फलना उन्हीं के मंत्री जो हैं वीआईपी लोग जो हैं वो लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई एमएलए का फंड वापस कर दो। भाई किस बात का तालमेल है? अब तो हम कहीं कहेंगे अब नीतीश कुमार जी का तो चेहरा खत्म ना हो गया इस चुनाव में। नीतीश कुमार जी का जो चेहरा में जो फेयर एंड लवली लगाते थे विज्ञापन का, इस बार तो पूरा पता चल गया ना कितना अच्छा चेहरा है उनका। क्या पार्टी के लोगों को, दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में ला रहे हैं? यानी उनका कोई वजूद नहीं, उनका कोई आधार नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले टीकाकरण का एक चरण भी पूरा नहीं हुआ है। तेजस्वी का कहना है कि ब्लैक फंगस के मरीजों का पीएमसीएच और एनएमसीएच में ऑपरेशन नहीं हो रहा है। थर्ड वेव आने वाला है, लेकिन एक राउंड भी वैक्सीन का पूरा नहीं हुआ। आंकड़ा पूछिए तो छुपाते हैं, छुपाना यानी जरूर कोई चोरी है भाई। बीच में हमेशा ही लोग बताता था ये दवा रहा। अब आप देख लीजिए ना आंकड़ा कितना बढ़ गया है इसका। ये जो नया एक बीमारी आया है जिसको कि ब्लैक फंगस कहते हैं, वाइट फंगस कहते हैं, येलो फंगस कहते हैं, एनएमसीएच पीएमसीएच में एक ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ये हकीकत है, एक भी ऑपरेशन ब्लैक फंगस का NMCH और PMCH में नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? और ब्लैक फंगस की जो सबसे महत्वपूर्ण जो दवा है, जो पहले सर्जरी के समय और सर्जरी के बाद में जो लगाया जाता है, वो दवा बिहार में उपलब्ध नहीं, कमी है। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के वक्त से ही नीतीश बाबू पर हमले कर रहे हैं, लेकिन किस्मत के धनी नीतीश चाचा ने सीटें भले ही कम लाई हों पर बिहार के सत्ता पर काबिज तो हो ही गए हैं। इसीलिए ज्यादा सीट हासिल करने के बावजूद तेजस्वी यादव अपना सियासी ख्वाब पूरा नहीं कर पाए। पंजाब केसरी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।